दिनांक 7 जुलाई को संजय सिंह सिकरवार नामक एक व्यक्ति के द्वारा थाना साहिबाबाद पर लिखित तहरीर दी गई थी कि अभियुक्तों द्वारा गाड़ी किराए पर ले करके और गाड़ी वापस न करना और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना, उसकी सूचना पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था और इसकी विवेचना की जा रही थी। इसी दौरान रेड लाइट के पास से 19 जुलाई को एक सोनू यादव, जो कि हापुड़ का रहने वाला है, उस व्यक्ति को लग्जरी कार वरना के साथ अरेस्ट किया गया। सर, पुलिस को कैसे सूचना मिली कि सोनू यादव रेड लाइट के पास है? इसकी विवेचना की जा रही थी और विवेचना में ये तथ्य प्रकाश में आया था कि कुछ एक लोग हैं जो कि गाड़ियों को एग्रीमेंट के तहत लेते हैं और लेने के बाद वो किराए पर इसका इस्तेमाल करने के लिए लेते हैं, कुछ दिन तक किराया देते हैं, जैसा कि तहरीर में भी बताया गया था और वादी द्वारा भी पूछताछ में इस तथ्य को अन्य गवाहों के माध्यम से पुष्ट किया गया था। उसी के आधार पर पुलिस अपना कार्य कर रही थी। सोनू यादव को जब हिरासत में लेकर के और व्यापक पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वह अपने अन्य साथी प्रदीप शर्मा और उसके साथ काम करने वाले अन्य लोग हैं जिनके द्वारा एक बृहद स्तर पर विभिन्न जगहों से गाड़ियों को एग्रीमेंट के तहत आम लोगों से लेते थे, ये कुछ दिन तक किराया देते थे और बाद में इन गाड़ियों को अलग लोगों को सेल कर देते थे और इन लोगों को धोखे में रखते थे, जिससे ये जानकारी इन लोगों तक पहुंच नहीं पाती थी। उसकी इस पूछताछ के आधार पे उसकी निशानदेही पे अन्य गाड़ियां भी बरामद की गई हैं, जिसमें स्कॉर्पियो है, स्विफ्ट डिजायर है, ब्रेजा है। इससे और भी पूछताछ की जा रही है और इसके अन्य साथियों के विषय में व्यापक जानकारी। सर, किस कंपनी के लिए ये गाड़ी एग्रीमेंट करा करते थे? ये विभिन्न कंपनियों के लिए गाड़ी को किराए पे लेते थे और ऊंचे किराए नामे के अनुसार, जैसे कि स्कॉर्पियो के लिए इन्होंने 75,000 80,000 रेट निर्धारित कर रखी थी, उसी तरह प्रत्येक कारों के लिए ये एक मार्केट रेट से, जो कि सामान्य किराया होता है, उससे काफ़ी ऊंचे दर पे ये किराया रख रखे थे, जिससे कि व्यक्ति आसानी से इनके प्रलोभन में आ जाता। कितने दिनों से काम कर रहे थे, कहाँ कहाँ कर चुके हैं? ये काफ़ी दिनों से काम कर रहे थे। अभी पीछे जो थाना साहिबाबाद के मोहन नगर क्षेत्र के अर्थला क्षेत्र से ही कम से कम 20 से 25 गाड़ियों का मामला ऐसा प्रकाश में आया है मुकदमा लिखने के बाद, तमाम लोग स्थानीय पुलिस के संपर्क में हैं। कितने गिरोह में इनके साथी थे और कितने लोग अभी तक जेल जा चुके हैं? इसमें अभी तो बरामदगी सोनू यादव से की गई है और इसमें इनके पूछताछ के आधार पे इनके अन्य साथियों का नाम प्रकाश में आ रहा है। क्या आपराधिक इतिहास है सोनू यादव का? सोनू यादव का पूर्व में अभी तक कोई भी आपराधिक इतिहास नहीं है।